हेलो बच्चों, आज हम क्लास थ्री मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर्स का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम एक्सपैंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था नंबर कैसे बनते हैं। जैसे 34 है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 4। हमने नंबर्स को एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड मतलब उसे बड़ा करना, ठीक है। तो ये टू डिजिट नंबर को हमने एक्सपैंड किया, इसी तरह से हम थ्री डिजिट नंबर को एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिया 145, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 40 प्लस 5। इसी तरह से हम फोर डिजिट नंबर्स को भी एक्सपैंड कर सकते हैं ना। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल के लिए समझ लो मैंने लिया 4357। तो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही एक्सपैंड करना है, 4357। तो एक्सपैंड करके क्या लिखोगे, 4000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 7। इसी तरह से मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, 5489। तो जब इसे एक्सपैंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 5000 प्लस 400 प्लस 80 प्लस 9। सिमिलरली लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, 2962। अब इसे कैसे लिखेंगे, वैसे ही जैसे पहले लिखा था, पहले थाउजेंड्स, फिर हंड्रेड्स, फिर टेंस और फिर वंस प्लेस, ठीक है। तो शुरू करें, ये बनेगा 2000 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 2। ये तो हुआ एक्सपैंडेड फॉर्म। अब इसका जस्ट ऑपोजिट होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे मान लो मैंने नंबर लिया 2198। अगर मैं एक्सपैंडेड फॉर्म लिखती हूँ तो मैं उसे एक्सपैंड करके क्या लिखूंगी, 2000 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 8। और वहीं जस्ट उसका उल्टा 2000 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 8 को मिला के जब मैं उसे 2198 लिखती हूँ तो वो बन जाता है उसका शॉर्ट फॉर्म। यानी कि शॉर्ट फॉर्म जो है वो एक्सपैंडेड फॉर्म का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने लिया 7000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 2। तो इसे जोड़ के हम क्या बनाएंगे, ये बनेगा 7652, जिसे हम लिखते हैं 7652। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 8000 प्लस 800 प्लस 80 प्लस 8। जब हमने इसे ज्वाइन किया यानी कि शॉर्ट फॉर्म बनाया तो वो बनता है 8888, जिसे हम लिखते हैं 8888। अब आपको एक्सपैंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो नंबर दे रखा है, इस नंबर का हमें एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट ए, इट इज 1384, मतलब 1384। तो जब आप एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा 1000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 4। बी, इसमें आपको दे रखा है 5097। तो जब इसे एक्सपैंड करेंगे ये बनेगा 5000 प्लस 0 प्लस 90 प्लस 7। अब इसमें हंड्रेड्स की प्लेस पे जीरो था तो हमने वहां पर 000 लिखने की जगह सिर्फ एक सिंगल जीरो लगाया। ओके, सी, इसमें आपको दे रखा है 8245। जब हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो हम लिखते हैं 8000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 5। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है, यानी कि जो हमने क्वेश्चन वन में किया था जस्ट उसका ऑपोजिट। ओके, ए,
4000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 6, ज्वाइन करके क्या बनेगा 4586, जिसे हम लिखेंगे 4586। बी 6000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 9, जब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ये बनेगा 6589, जिसे हम लिखते हैं 6589। सी 8000 प्लस 300 प्लस 60 प्लस 1, ये बनेगा 8361, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं 8361। इस एक्सरसाइज में ये दो ही क्वेश्चंस थे। अब अगला जो एक्सरसाइज है वो हम अपने अगले टॉपिक में, यानी कि मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊंगी। आपको इतना समझना है और इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, अंटिल देन, बाय।